डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ओवर यूनियन का क्या मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ, ये लॉ है तो इंटरसेक्शन पर उस पर यूनियन अप्लाई करना है। जिस तरह यहाँ पे ये देखें, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर है बी यूनियन सी, मतलब ये मेन इसका है इंटरसेक्शन और यूनियन हमने उस पर अप्लाई करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, मतलब इंटरसेक्शन दोनों के साथ आएगा, फिर ब्रैकेट दोनों को अलहदा ब्रैकेट में लिख के यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब हमने पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हमें थ्री सेट के एलिमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। सेट ए में 1 to 20 तक एलिमेंट हैं और सेट बी में 5, 10, 15, 20, 25 and 30। सी सेट के एलिमेंट है 3, 9, 15, 21, 27 and 33। अब बी यूनियन सी जो है, पहले हम बी सेट के एलिमेंट लिखेंगे और यूनियन के बाद फिर सी सेट के एलिमेंट। बी सेट के एलिमेंट क्या है, 5, 10, 15, 20, 25, 30। और सी सेट के एलिमेंट क्या है, सी सेट के ये वाले एलिमेंट है 3, 9, 15, 21, 27 and 33। दोनों के दरमियान हमने यूनियन लिखा है और दोनों को यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन किस तरह फाइंड करते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट को तरतीब से लिखना होता है, जितने भी एलिमेंट आए हुए हैं लेकिन जो रिपीट हो रहे होते हैं रिपीट को एक ही बार लिखना होता है। दो बार अगर रिपीट हो रहे हैं तो दो बार नहीं लिखना, उस एलिमेंट को एक बार ही लिखना है। जिस तरह यहाँ पे 15 दोनों में रिपीट हो रहा है तो 15 एक ही बार लिखेंगे। इस सेट के एलिमेंट है 5, 10, 15, 20, 25 and 30। ये देखें 3, 9, 15, 21, 27 and 30। इनको हमने तरतीब से लिखना है। तो पहले 3, 9, 15, 3 के बाद 5 इधर है तो 5 लिखा, 9 और 9 के बाद 10 इधर है और 15, 20, 21, 25, 27, 30 30 इसमें है और 33 इसमें है। तो सबको तरतीब से लिखा। अब बी यूनियन सी हमने फाइंड कर लिया। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जिस तरतीब से यहाँ पे ये स्टेटमेंट, मतलब जिस तरतीब से यहाँ पे होता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले हम ए सेट के एलिमेंट लिखेंगे और उसके बाद इसका जो आंसर निकाला है वो लिखेंगे। तो ए सेट के एलिमेंट क्या हैं, 1 to 20 तक एलिमेंट हैं इसके। यहाँ पे ए सेट के एलिमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जिस जो यहाँ पे हमने आंसर निकाला है 3, 5, 9, 10, 15, 20, 21, 25, 27, 30, 33। अब इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों सेट के एलिमेंट जो कॉमन हों वो हमने लिखने होते हैं। तो सिर्फ कॉमन या इस सेट में 20 तक कॉमन हो सकते हैं, मतलब 20 तक जो भी एलिमेंट हैं वो हमने ढूंढने हैं, क्योंकि 20 तक 1 to 20 तक इस सेट में हैं लेकिन इस सेट में छोड़ छोड़ के आगे 21 से आगे भी जा रहे हैं। तो 21 से आगे वाले तो बिल्कुल देखने ही नहीं है। अब इनको देखते हैं, मतलब 3, 5, 9, 10, 15 और 20 ये इसमें भी हैं, सेट ए में हैं। तो हम ये लिख लेंगे 3, 5, 9, 10, 15 and 20। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी हम अप्लाई करते हैं राइट हैंड साइड, हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए के एलिमेंट इंटरसेक्शन के बाद सेट बी के एलिमेंट। सेट ए के एलिमेंट क्या है, 1 to 20 और इंटरसेक्शन बी 5, 10, 15, 20, 25 and 30। तो ए एंड बी के दरमियान अब हमने इंटरसेक्शन अप्लाई करना है। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों सेट में जो कॉमन हो, 20 तक देखते हैं जो इसमें, ये क्योंकि तरतीब से 1 to 20 तक एलिमेंट है, इसमें 20 से आगे भी हैं तो 20 से आगे वाले तो देखना ही नहीं है। 3, 9 and 15 ऐसे 3 एलिमेंट्स हैं जो दोनों में हैं, दोनों में कॉमन है, मतलब ए सेट में भी है और बी सेट में भी है। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला, 3, 9, 15 and 20 नहीं लिखना, 20 इसमें कॉमन नहीं है क्योंकि ये दूसरे सेट में नहीं है, 3, 9 and 15। अब ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए इंटरसेक्शन सी मतलब ए सेट के एलिमेंट एंड सेट सी के एलिमेंट हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं 3, 9, 15, 21, 27 and 33। तो सेट सी के एलिमेंट भी यहाँ पे लिखे हैं हमने, ए इंटरसेक्शन सी 3, 9, 15, 21, 27, 33। अब दोनों में कॉमन ढूंढने हैं, सिर्फ 20 तक ही हम कॉमन ले सकते हैं, उससे आगे तो कॉमन नहीं है इसमें क्योंकि 20 तक है एलिमेंट। तो 3, 5 and 9 इस 3, 9 and 15 इसमें भी है, मतलब 1 to 20 तक तरतीब से है तो इसमें ये तीन एलिमेंट भी तो होंगे, 3, 9 and 15
15 आ गए इसके एलिमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, अब दोनों में हमने यूनियन करना है तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे हमने यूनियन करना है, तो एक अगर एक सेट में आया हुआ है 20 तो दूसरे में भी आएगा 3, 9, 15 एंड 20। ये हम राइट हैंड साइड।